हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अतरंगी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारा वेवोशन जो है वो बॉटम है और उसके दो अल्फ़ा होते हैं। वो एक ओमेगा है, उसके दो अल्फ़ा हैं, जिसमें हमारे लाइन शिचैन उसके अल्फ़ा होंगे और हमारा लोवांगची भी उसका अल्फ़ा है। ये एक शेयर्ड वाइफ की कहानी है, जो कि बहुत क्यूट प्यारी सी कहानी है। और गाइस, ये कोई नई कहानी नहीं है, बहुत सारे ट्राइबल एरिया, इवन हिमाचल प्रदेश के एरिया में भी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे पति होते हैं और एक वाइफ होती हैं। तीन तीन पति, चार चार पति, छः छः पति तक मैंने सुने हैं होते हैं, और उनकी एक ही बीवी होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ वांगशन श्यांगवन सुनना पसंद करते हैं, या फिर वो टॉप लवांगची या टॉप वेवुशन के कट्टर फैन हैं। ये कट्टर वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कट्टर वाली कोई चीज़ लेके भी नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी का माइंड रेडिकलाइज नहीं करना है। तो मैं बिल्कुल ओपन माइंडेड कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ। जिसको वो चीज़ अच्छी लगे वो सुने, और जिसे नहीं अच्छी लग रही गाइस स्किप कर दें, जिससे ना ही आपका दिमाग ख़राब होगा और ना ही आप मेरा दिमाग ख़राब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के कॉन्सेप्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि जो हमारा लवांगची था वो अभी बहुत छोटा था, अपनी मॉम की गोद में था। वो अक्सर अंगूठा चूसा करता था और शिचैन उसे देख के बहुत खुश होते थे। शिचैन अपने भाई से, अपने प्रिय भाई से बहुत प्यार किया करते थे। ऑब्वियस ही बात है, उनका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चबी सा भाई बहुत क्यूट था। यहाँ पर वो अपने भाई को जब मॉम आसपास नहीं होती थी तो गोदी में उठाकर घूमते थे। वो उसे घूसू के फोक सॉन्ग सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश करते थे। उन्हें यहाँ पर वांगजी बहुत 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 अडोरेबल था, बहुत क्यूट लगता था। और वांगजी जो था वो अपने भाई को देखकर खिलखिला के बहुत प्यार से मुस्कुराया करता था। यहाँ पर मैडम लैन अपने बच्चों को देख रही होती हैं और वो मन में सोचती हैं कि बहुत जल्दी, आज के बाद पता नहीं कितने दिन हैं उनके पास, वो बचेंगी या नहीं बचेंगी, कितने टाइम तक वो अपने बच्चों को निहार पाएंगी, कितने टाइम तक वो अपने बच्चों के साथ रह पाएंगी। अब वो हर टाइम अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी, जिससे जब किसी को पता चल जाता है कि आप बचने नहीं वाले तो उस इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। वो ओवर पोजेसिव हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। और सेम मैडम लैन के साथ था, वो जानती थी कि अब वो बचेंगी नहीं, तो वो अक्सर लवांगची को अपने पास रखा करती थी। और शिचैन को भी जैसे ही फुर्सत मिलती थी तो वो उसे अपने पास बुला लिया करती थी। यहाँ पर वो अपने बच्चों को जितना हो सके चीज़ें सिखाना की कोशिश करती थी। बहुत छोटे थे बच्चे, वांगजी तो अभी सिर्फ गोद का था, और वो पूरी कोशिश करती थी कि वो शिचैन और बाकी वांगजी को भी दिल भर के प्यार दे। यहाँ पर वो इनसिक्योर हो गई थी और उनके मन में ये आता था कि जो उनके साथ होने वाला है वो सेम उनकी बेस्ट फ्रेंड कांगसे सरन के साथ होगा। तो फिर उसका जो बेटा है उसका ख्याल कौन रखेगा? उसका बेटा तो वैसे भी ओमेगा है। यहाँ पर उनके मन में बहुत सारी बार कांटेक्ट करने का भी ख्याल आता था कि वो जो भी करें वो जैसे तैसे करके एक एटलीस्ट एक लेटर लिख दें, एक बार उससे बात करें अपनी बेस्ट फ्रेंड से, बताएं क्या है। फिर उन्हें याद आता है, नहीं, उसने तो मुझे अपने बच्चे के नामकरण पर भी नहीं बुलाया, मैं क्यों बात करूँ। ऐसे ही काफ़ी टाइम, लगभग 6 महीना उनके मन में जद्दोजहद चलती रहती हैं। उनका बहुत मन था कांगसे सरन से बात भी करने का, लेकिन वो करती भी नहीं, क्योंकि अक्सर इंसान की ईगो बीच में आ जाती है। सेम उनकी भी ईगो बीच में आ रही थी, लेकिन एक दिन उनके सब्र का बांध टूट जाता है। उनका 6 महीने का जो वांगची होता है ना, वो अपने घुटनों के बल चल रहा था, लेकिन गलती से उसके ऊपर एक चीज़ आके गिरने ही वाली होती है, लेकिन मैडम लैन भाग के आती हैं और वांगची को बचा लेती हैं। यहाँ पर वो जो चीज़ थी ना, वो आकर मैडम लैन के हाथों पे गिर जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गहरा घाव आता है। वो घाव बहुत ज़्यादा उनका खून भी निकाल देता है। यहाँ पर वो वांगची को पकड़ लेती हैं, वो वांगची को गले लगाकर बहुत रोने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगा था जैसे मानो अभी वो चीज़ वांगची को ही मार डालेगी। और सच में उन्हें पहली बार इतना ज़्यादा दुख लगता है ना, इतना ज़्यादा वो डर जाती हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर डर जाएंगी। यहाँ पर उनके मन में खौफ चीज़ों को लेकर अब उन्हें और भी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर डर लगने लगा था। उनके हाथ से बहुत खून बह रहा था, पर वो उसकी परवाह ना करें, लवांगजी को अपने सीने से लगाए रखती हैं। उनके मन में डर बैठ गया, वांगजी को कुछ हो गया तो वो कितनी नन्ही सी जान है, छोटा सा है, क्यूट सा है। और यहाँ पर शिचैन जब दौड़ा दौड़ा भागा आता है, वो देखता है कि घर में खून फैला हुआ है। यहाँ पर मैडम लैन के हाथ पे बुरी तरह से लगी हुई थी, लेकिन वो अभी भी वांगची को ही गले से लगाए हुए थी। यहाँ पर शिचैन भागा भागा आता है, आसपास वो देखता है और फटाफट से एक कपड़ा फाड़ के लेके आता है। वो अपनी मॉम के हाथों को पोंछता है
और यहाँ पर वो भागा भागा जैसे तैसे करके यहाँ पर जो इम्पीरियल डॉक्टर डैन थे उन्हें बुला के लेके आता है ताकि वो उसकी मॉम की पट्टी कर सकें। उसकी मॉम जो थी वो ज़्यादातर बाहर नहीं रहती थी, जेंशियल हाउस में ही रहा करती थी, उनकी रिहाइश यहीं थी। क्योंकि यहाँ पर चिंगन जुन ने सबसे लड़कर उन्हें अपने घर में लाया था, अपने टीचर से, अपने अंकल से, अपने भाई से और ना जाने कितने एल्डर से उन्होंने लड़ाई की थी मैडम लैन को अपने पास रखने की। और यहाँ पर वो खुश भी थे, चिंगन जुन यहाँ पर उन्हें अपने साथ रखकर काफ़ी खुश थे, उन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं था। मैडम लैन जेंशियल हाउस में रहा करती थी, वो उसमें बड़ी खुश रहती थी और चिंगन जुन को जो था वो अब कहीं ना कहीं सेक्लूजन में जाना पड़ता था। उन्होंने बगावत की थी और लैन सेक्ट का एक रूल था, जो भी बगावत करता है अपने ही लोगों के खिलाफ उसे सेक्लूजन दे दिया जाता है। यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों के कसूरवार थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ते थे। वो अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे और यहाँ पर वो बेचारे सेक्लूजन में जाते हैं, पर हर घड़ी उन्हें मैडम लैन की परवाह रहा करती थी। और यहाँ पर मैडम लैन भी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उन्हें लगता था कि उनके पास बहुत कम वक्त है और इस कम वक्त में भी अगर उनके पति सेक्लूजन में रहेंगे तो वो कैसे यहाँ पर रह पाएंगी। यहाँ पर जो उनके पति थे वो सेक्लूजन में थे और वो जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर बिना चिंगन जुन की परमिशन के अंदर नहीं आ सकता था, पर मैडम लैन के हाथों से बहुत खून आ गया था। वो बहुत देर तक वेट करता है चिरन की परमिशन के बाद ही डॉक्टर वहाँ गया था। और जब उसने जाँचा तो उन्हें पता चला कि मैडम लैन को हाथ में बहुत बड़ा घाव आया है, जो कि आसानी से अगर उन्होंने दवाइयां नहीं ली तो वो और भी ज़्यादा पक सकता है, उन्हें सेप्टिक हो सकता है। यहाँ पर वो मैडम लैन को आगे से पानी में ज़्यादा हाथ ना मारने, मिट्टी में ज़्यादा काम ना करने, यहाँ तक कि अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारे उपाय बताते हैं। लेकिन मैडम लैन का अब ध्यान नहीं था, उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में वो रस नहीं लगता था जब से पति सेक्लूजन में गए थे। उनका ना ही सिर्फ पूरा ध्यान वांछी और अपने बेटे पे था, उनका ध्यान जैसे पूरी दुनिया से अलग ही हो गया था। वो जानती थी वो बचेंगी नहीं तो वो खुद को बचाने का उपाय भी नहीं करती थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उन्हें कितने गहरे घाव आ जाए, बस वो चाहती थी कि वांछी को कभी कोई चोट ना लगे। वो पूरा टाइम वांछी के इर्द गिर्द ही भागती रहती थी। ऐसे करते करते वांछी जो था वो अब 3 साल का हो गया था। मैडम लैन ने कभी अपने उस जख्म पे जो कि उतने इतना गहरा हुआ था उस पे कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ उनके जो हाथ पैर थे उनमें सेप्टिक बनता गया और उनकी हड्डियों पे वो ऐसा असर कर गया कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी। अब मैडम लैन ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा पाती थी, उनकी हड्डियाँ जगह जगह से टूट जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम बेड रेस्ट पर रहना पड़ता था। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। यहाँ पर भी ओशन भी हमारा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था। वो बहुत क्यूट लगता था, बहुत प्यारा लगा करता था और बहुत ही अडोरेबल था। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, वो लोग सारे के सारे विभूषण के दीवाने हुआ करते थे। विभूषण ऐसा बच्चा था जो बहुत हंसमुख था, जिसे देखकर सबके चेहरे पे बिल्कुल हंसी आ जाया करती थी। जो माएँ अपने बच्चों से दुखी होती थी वो विभूषण के पास आके बैठ जाया करती थी। इतना प्यारा बच्चा, इतनी प्यारी हंसी, इतनी प्यारी मुस्कान, जिसकी हो वहाँ पर इंसान सैड कैसे रह सकता है। विभूषण को देखकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि उनके बच्चे भी बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। विभूषण इतना क्यूट, इतना प्यार और इतना प्यार से मम्मा पापा बोलने वाला इंसान हुआ करता था, जिसे देख के उसके पेरेंट्स का भी दिल सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता था। खुशी के मारे उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्हें भगवान ने विभूषण जैसा बेटा देकर ना जाने उन पर कितना बड़ा एहसान कर दिया हो। विभूषण उनकी जिंदगी था। कांसे सरन को 6 महीने बाद अपनी सहेली का एक खत मिला था, जिसमें उन्होंने यहाँ पर उनसे मिलने की गुहार लगाई थी, लेकिन कांसे सरन को वक्त ही नहीं मिला कभी भी मैडम लैन को खत लिखने का। एक दिन वो सोचती हैं कि क्यों ना वो मैडम लैन से मिलने जाएं गुसू, पर उसे तब वी चांगसे के थ्रू याद आता है, वो बताते हैं कि किस तरह से चिंगन जुन को सेक्लूजन में भेज दिया गया और मैडम लैन भी सेक्लूजन में रहती हैं और उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, उन्हें कोई आज़ादी नहीं है। इंसेक्ट उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है, किस तरह से उन्हें कंट्रोल करके रखता है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी मैडम थी, यानी कि हमारी मैडम वे थी, वो उनका दिल टूट जाता है।
मैडम लैन की इतनी बुरी हालत उन्होंने कभी नहीं सोचा था कांग्रेस सरन ने, कि उनकी दोस्त की इतनी बुरी दुर्गति हो जाएगी। उनका बहुत मन करता था, उन्हें बहुत अफसोस होता था कि अपने बच्चे के नामकरण पे वो उन्हें नहीं बुला पाई, लेकिन वो जानती थी कि उनकी एक मजबूरी है। उनके दोनों अल्फा बच्चे हैं जिनकी प्रोफेसी के तहत किसी ओमेगा से शादी होनी तय है। यहाँ पर उन्हें डर लगा करता था कि अगर उन्होंने उनके ओमेगा बच्चे पे हाथ रख लिया तो यहाँ पर उनके बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि अल्फा को 2-3 ओमेगा रखना शोभा देता है, लेकिन एक ओमेगा के पास 2-3 अल्फा, छी, दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, करेक्टरलेस कहेंगे उनके बच्चे को। ये सोचकर वो बेचारी कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेती थी, कभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी ये नहीं बोल पाई कि चलो मैं तुमसे मिलने ही आ जाती हूँ। उनमें इतना करेज ही नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। और यहाँ पर ये चीज़, ये मजबूरी वी चांग से भी समझते थे। वी चांग से हमेशा उन्हें कहते थे कि ये सब बातों को सोचना छोड़ दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, पता नहीं किस मोमेंट क्या हो, तुम इतना अफसोस मत मनाया करो, हम हैं ना, एक दिन हम अपने बच्चे की अपने हाथों से शादी करेंगे और हमारा बच्चा बहुत खुश रहेगा। वो यहाँ पर वेवुशन को बिल्कुल प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए, यहाँ पर वेवुशन भी मुस्कुराकर बाबा बाबा बोलता है और गोद में आके बैठ जाता है। यहाँ पर वी चांग से कहते हैं, मैं अपने बेटे को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, मेरा बेटा कभी भी मेरे बेटे को कोई चीज़ फील नहीं होगी, खाली नहीं रहने दूंगा मैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चे के पास हर वो चीज़ होगी जो वो चाहता होगा, मैं अपने बच्चे को हर दुनिया की सारी खुशी दूंगा, और एक दिन जब इसकी विदाई का टाइम आएगा इसे मेरे प्लैनेट को संभालना होगा, उस दिन कितना अच्छा लगेगा, मैं इसका कोरोनेशन अपने हाथों से करूँगा, मेरे हाथों से इसे यहाँ पर इस गद्दी पे ताजपोश पहनाया जाएगा। उनके इन ना जाने कितने ख्याल थे, बट वो एक चीज़ से कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि शायद वो भी नहीं बचेंगे, उनके पास भी दुनिया में बहुत कम टाइम है, शायद वो अपने बच्चे की ये सब जो भी वो सपने देख रहे हैं वो कभी देख ही नहीं पाएंगे, कि आखिर उनके साथ क्या होगा, ऐसा क्यों होगा और किस वजह से वो कभी चीज़ें नहीं देख पाएंगे, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक पिता के सपने बहुत सारे थे। यहाँ पर लवांगची और उसके भाई भी धीरे धीरे स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं, गुस्से में पढ़ना लिखना वो धीरे धीरे सीख रहे थे, और धीरे धीरे वो अपने अंकल से भी बहुत क्लोज हो रहे थे। शिचन ऑलरेडी बड़े थे और वो क्लासेस भी अटेंड किया करते थे, अब भारी वांगची की भी आ गई थी। वांगची पूरा दिन अपने अंकल के साथ बड़े प्यार से अपनी क्लासेस को अटेंड करता था, और शाम को वो फटाफट से अपनी मॉम के पास आ जाया करता था, उसकी मॉम उससे 2 मिनट भी अलग नहीं रहती थी। शिचन से उसकी मॉम बहुत प्यार करती थी, लेकिन शिचन बड़े हो गए थे, वो अपने आप को संभाल के रख सकते थे, लेकिन जो वांगची था ना वो अभी भी छोटा चुलबुला क्यूट सा बच्चा था, इवन इंट्रोवर्ट भी था, वो जो भी करता था सिर्फ अपनी मम्मा के सामने करता था, और मम्मा जब उसे टीज करती थी तो उसके चीक्स लाल हो जाते थे। वो जानती थी उनका बेटा जो है ना ये छोटा सा, ये लिटिल टेडी सा, ये किसी से कुछ नहीं कह पाता, उन्हें डर लगता था अगर वो वांगची को छोड़ के चली गई तो वांगची कैसे जिएगा, वो तो हमेशा माँ के साए में रहा है ना, और सेम उन्हें शिचन के लिए डर लगता था, क्या चिंगनजुन बच्चों की जिम्मेदारी ले पाएंगे। चिंगनजुन अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है कि वो दोनों बच्चों को अच्छा आराम से पाल सकें, और वो ये भी चीज़ जानती थी कि जो अंकल चरण है वो बच्चों को पाल तो सकते हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव करेंगे, क्रूर व्यवहार करेंगे, ये किस तरह की चीज़ें रखेंगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था। यहाँ पर वो जानते थे लेंसेक्ट वाले कितने ज़्यादा क्रूर हैं, किस तरह का बिहेव रखते हैं वो लोग, और यहाँ पर उन्हें डर लगता था कि अगर सेम बिहेव यहाँ पर उन लोगों ने मैडम के जाने के बाद रखा तो क्या होगा। और मैडम लैन को यहाँ पर थोड़ा सा डर लगता था कि अगर उनके जाने के बाद उनके बच्चों के साथ सख्त स्वभाव, कड़ा स्वभाव रखा गया तो फिर वो कैसे डील करेंगी सारी चीज़ों के साथ, उनका ये नाजुक से बच्चे ये तो रुल जाएंगे। और सेम यहाँ पर बीच आंख से के दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो बहुत खुश थे चीज़ों को लेकर, और यहाँ पर वो लोग विभूषण को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, उनका मन था कि वो घूमने जाएं, दुनिया घूमें, एक्सप्लोर करें। और ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं,
पाँच साल होने के बाद लवांग जी और उसकी मॉम एक दिन रूम में बैठे हुए थे। यहाँ पर मैडम लैन, जो कि अपनी ज़िंदगी से हताश हो गई थी, उन्हें बहुत बार बहुत सारी बीमारियाँ होती थी पर वो दवाई नहीं लेती थी, कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी। अब बिल्कुल ऐसा टाइम आ गया था जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। वांग जी जो अपनी मॉम के पास इर्द गिर्द घूमा करता था, उसे अपनी मॉम से बहुत प्यार था और वो अपनी मम्मा के पास ही घूम रहा था। उसकी मम्मा बीमार थी, उसे नहीं पता था मम्मा को क्या हुआ है। अचानक से मैडम लैन की सांसें चलनी बंद हो जाती हैं और यहाँ पर उनका देहांत हो जाता है। बेचारा लवांग जी को तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हुआ है। वो अपनी मॉम के सीने से लगकर उनसे बातें करता रहता है पर उसकी मॉम ने आज आंखें ही नहीं खोली थी तो वो थोड़ा सा डरता है। लेकिन फिर वो उसे लगता है शायद उसकी मम्मा सो रही हैं। वो उनके बड़े प्यार से बालों को सहलाने लगता है, उनके लिए अपनी टूटी फूटी बचपनों वाली आवाज़ में एक लोरी गाने लगता है और वो अपनी मॉम को बड़े प्यार से सुलाने लगता है। शिचन जब आज घर में आते हैं और वो अपनी मॉम को देखने विजिट करने आए थे तो वांग जी उन्हें चुप करके कमरे में आने से मना कर देता है और कहता है मॉम सो रही हैं। यहाँ पर शिचन जानते थे कि उनकी मॉम की हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो कमरे में आने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि उनकी मॉम के ना तो नर्व्स चल रही है, हाथ पैर नहीं चल रहे, उन्हें हिलाते हैं। उनकी मॉम का चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो गया था, नीला पड़ गया था जैसे खून की कमी हो गई हो, पीला पड़ गया था जैसे मानो रगों में खून ही नहीं दौड़ रहा हो। यहाँ पर उनकी सांस फूलने लगती है और वो डर के मारे यहाँ से भागते हुए जाते हैं। वो अंकल चरण को इन्फॉर्म करते हैं और डॉक्टर को बुला के लाते हैं। वांग जी जो कि अभी कन्फ्यूज था कि उसकी मम्मा तो सो रही है ना, तो उसका भाई इतना शोर क्यों मचा रहा है। उस बेचारे को पता ही नहीं था उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पर बड़े ही मुश्किल से शिचन यहाँ पर डॉक्टर्स को लेके आते हैं। डॉक्टर इम्पीरियल डॉक्टर के आते ही यहाँ पर कोहराम मच जाता है। वांग जी तो जैसे जोर जोर से चिल्ला के कहना चाहता था भैया आप इन्हें क्यों लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो डॉक्टर आता है और नर्व्स चेक करता है, वो यहाँ पर दोनों भाइयों को जवाब दे देता है कि उनकी मदर नहीं रही। ये सुनने के बाद तो वांग जी तो हैरान हो जाता है। वो अपनी मम्मा के पास आकर बार बार उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वांग जी को तो जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम नहीं रही। पर शिचन बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। तब चरण उन्हें संभालते हैं और कहते हैं तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, संभालो खुद को बेटा। लेकिन वांग जी की सुध-बुध खोई हुई थी। वो अपनी मॉम का सिर अपनी छोटी छोटी नन्नी नन्नी टांगों पर रख कर बोलता है मम्मा उठो ना मम्मा, क्या हो गया है, क्या हुआ, आप वांग जी से नाराज़ हो, आप वांग जी से बात नहीं करोगे, मम्मा क्या हुआ है, बोलो ना, मैं यहीं हूँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, आप मुझे डांटते हो ना, मैं इधर उधर चीज़ गिरा देता हूँ, मैं नहीं गिराऊंगा, मम्मा उठो ना, मम्मा मम्मा आँखें क्यों बंद की हैं, निन्नी आ रही हैं, वैसे बोलकर उन्हें लोरी सुनाने लगता है। यहाँ पर शिचन वांग जी के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं भैया आप क्यों रो रहे हो, मम्मा इतनी इतनी गहरी नींद क्यों सोई हुई हैं, उठो ना। तो यहाँ पर शिचन वांग जी को अपने साथ खींचकर यहाँ पर उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं अब मम्मा कभी नहीं उठेंगी। वांग जी कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, वो उठेंगी, उठो ना। लेकिन ये बात सिक्लूजन में जो चिंगन जुन थे उन्हें भी पता चलती है कि उनकी वाइफ नहीं रही। वो तो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि उनकी वाइफ की तबीयत इतनी ख़राब थी पर कभी सिक्लूजन में किसी ने उन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो यहाँ पर सिक्लूजन से बाहर आते हैं और वो इतने गुस्से में होते हैं कि वो सीधा चरण का कॉलर पकड़ लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुमने मुझे कभी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि मेरी वाइफ की तबीयत ऐसी थी। चरण कहते हैं मुझे भी नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, मैं कौन सा जेंशल हाउस आता था। यहाँ पर चिंगन जुन अपनी वाइफ को देखते हैं जो कि वांग जी की गोदी में सिर रखे हुए थी। वांग जी यहाँ पर बार बार अपनी मम्मा को उठा रहा था। यहाँ पर चिंगन जुन वांग जी की गोद से अपनी बीवी का सिर अपने पास रखते हैं, उसे सीने से लगाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अब वांग जी डरने लगा था। वांग जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों क्यों बोल रहे हैं मम्मा नहीं उठेगी। उसे मृत्यु जन्म कुछ नहीं पता लेकिन आज उसे बहुत एहसास हो रहा था जैसे उसकी मॉम उसने खो दी है। यहाँ पर अब उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे पर वो उन्हें रोके हुए था। लेकिन धीरे धीरे उनकी क्रिमिनेशन की तैयारियाँ शुरू होती हैं, उन्हें दफनाने और उन्हें जलाने का प्रोसेस शुरू होता है, जलाकर उनकी राख को दफना दिया जाएगा। यहाँ पर अब वो डरने लगा था
वांग जी के पसीने छूट रहे थे। उसकी मॉम को उसे दूर ले जाया गया। पहले तो उन्हें अच्छी तरह से सजाया गया और उसके बाद उनकी पसंदीदा चीज़ों को 2 दिन तक एक जगह रखा गया और उसके बाद उन्हें दफना दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था वांग जी को। उसकी मामा जो उससे इतना प्यार करती थी, हर टाइम उसके आगे पीछे रहती थी, वो चली गई। और सेम सिचुएशन यहाँ पर, जैसे ही चांग से सरन को पता चलता है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड की देहांत हो गया है, वो हकी बकी रह जाती हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी दोस्त से मिलने या उनसे बातचीत इसलिए नहीं की कि उनके 2 बच्चे कहीं उनके बच्चे को ना रख लें। यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि उनसे क्या हो गया है, उन्हें बहुत अफसोस होता है और अब वो उन दोनों बच्चों, उन दोनों अल्फा लड़कों को देखना चाहती थी। यहाँ पर वो अपने पति से जिद करती हैं रोते रोते कि मुझे उनसे मिलने जाना है, मुझे नहीं पता कि उसके बच्चे कैसे रह रहे होंगे, वो दोनों नन्ही सी जान हैं, मैं कितनी सेल्फिश थी, अपनी दोस्त से कभी मिली नहीं, उसका दुख दर्द नहीं जाना, उसके बारे में उसका हालचाल नहीं पूछा। देखो ना, उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं, मुझे बहुत डर लगता है, भगवान ना करे कभी सेम सिचुएशन में मुझसे मेरा विंग छीन ले या विंग से हम लोगों को छीन ले, तो क्या बीते कि हमारे नन्हे से बच्चे पे, विंग भी बड़ा हो चुका था। यहाँ पर वो कहता है, मम्मा आप क्यों रो रही हो? तो यहाँ पर वो कहती हैं, मेरी एक फ्रेंड की डेथ हो गई है, मुझे उससे मिलने जाना है। विंग तुम भी चलोगे? विंग के यहाँ बहुत सारे दोस्त थे। विंग जब भी कोई दोस्त नहीं आता था तो नाराज़ हो जाता था, वो उसके बारे में पूरे दिन पूछता था, तो विंग को पता था दोस्त कितने अच्छे होते हैं। तो वो कहता है, मम्मा मैं आपके साथ चलूँगा। यहाँ पर कांग से सरन अपने पति के साथ उस जगह निकलने के लिए रेडी हो जाती हैं। वो लोग अपने प्लैनेट से गोसू के लिए पहली बार निकल रहे थे। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि उनकी दोस्त मैडम लैन अब इस दुनिया में नहीं रही और उनके 2 बच्चे एक तरह से यतीम हो गए हैं, माँ का साया ही नहीं है सर पे। और वो जानती थी कि किस तरह से, किस हालात में उनकी दोस्त की शादी हुई थी। और उन्हें धीरे धीरे ये भी पता चलता है खबरों से कि उनके पति सेक्लूजन में रहते थे। उन्हें लगता है कि एक लोनली इंसान की उन्होंने मदद क्यों नहीं की, एक ऐसी औरत जो खुद भी सेक्लूजन में रह रही थी, 2 बच्चे की सिरदर्दी थी, लेकिन पति उसके पास नहीं होता था, कैसे जीती होगी वो। वी जांगसे के साथ अगर कांगसे सरन एक दिन बात ना करें तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी अधूरी है। तो उनकी दोस्त इतने दुख दर्द में रही और उन्होंने कभी अपनी दोस्त से बात भी नहीं करना चाहा, ये गिल्ट उन्हें अंदर अंदर खाए जा रहा था। यहाँ पर वो लोग दूसरे प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घुसू के लैंड सेक्ट में आते हैं, सही टाउन में आते हैं, तभी यहाँ पर ऐसा होता है कि जिस जगह वो रुकते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने ऑलरेडी एक चीज़ गैदर की हुई थी, वो चीज़ थी RDX। वहाँ पर विस्फोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी। एक्चुअली वो आसपास में एक बहुत बड़ा जाइंट सा एक ऐसा डीमन आ गया था जिसे उन्हें मारना था। ये लोग कल्टीवेटर्स थे, तो कांगसे सरन और वी चांग से तैयार हो जाते हैं। उन लोगों ने अपने साथ बहुत सारा RDX भी रखा हुआ था। उस जो भी डीमन था उसे देखकर उसको सबको उड़ाने का उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। और जो हमारी कांगसे सरन होती है वो अपने बच्चे को बाकी कल्टीवेटर्स के साथ छोड़कर इन में ही वो बाहर चली जाती हैं। उनके पति भी उस डीमन से लड़ना चाहते थे, लेंसेक्ट अभी आना नहीं चाहता था, उन्होंने डिसाइपल भेजे थे। यहाँ पर वी चांग से और बाकी सब पे ट्रस्ट करके वो लोग RDX उन्हें दे देते हैं, पर वी चांग से को पता नहीं चलता गलती से जब वो उस डीमन पे वार करने जाते हैं तो उनके पास जो रखा RDX था वो गलती से पहले फट जाता है, जिसकी वजह से डीमन भी मरता है और वो दोनों भी चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं हवा में बिल्कुल। और यहाँ पर बेचारा वेवशन पूरा दिन इंतज़ार करता है कि उसके माता पिता आएंगे, लेकिन दिन के पूरे अंत में उसे ये पता चलता है कि घर में कोई नहीं आया, बल्कि एक हाहाकार मचाते हुए सर्वेंट उसे बता देता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। वेवशन, जिसने कभी किसी को खोने का दर्द महसूस ही नहीं किया था, उसके प्लैनेट पर सब खुश रहते थे, बड़े ही प्यार से मज़े करते थे, उसे पता ही नहीं चला कि इन्होंने ये क्या बोला है कि उसके माँ बाप नहीं रहे, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता। वो पागलों की तरह इनसे बाहर निकल जाता है माँ बाप को ढूंढने के लिए। वो सड़कों पर इधर उधर फिरता है और बार बार सबसे कहता है, मुझे मेरी मम्मी पापा से मिलवा दो, पर किसी को भी नहीं पता था वो बच्चा कौन है। सब सोचते थे कि ये पक्का किसी रिच घराने से होगा, एक चोर
उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसे साइड में ले जाके उसे पूछताछ करता है कि तुम कौन हो लड़के। यहाँ पर वेवुशियन बोलता है, मैं वी प्लैनेट से आया हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे माँ बाप लेके आए हैं। मेरे माँ बाप को पता बताओ, मैंने सुना है वो किसी झील के पास गए थे। ये चोर कहता है झील के पास, पर वहाँ तो बॉम्ब विस्फोट हुआ है, वहाँ पर जो भी लोग थे वो सारे मारे गए हैं। वेवुशियन कहता है मारे गए मतलब? तो वो कहता है मारे गए मतलब वहाँ पर जितने लोग गए थे वो मर गए। मैंने सुना है वहाँ पर वे कपल भी गए थे। ज़रूर वो तुम्हारे ही माता पिता होंगे, वो तो मर गए। तुम किस काम के? वो यहाँ पर वेवुशियन को छोड़ देता है। वेवुशियन पीछे पीछे जाता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा का पता तो दे दो, वो कहाँ पे है, वो नदी कहाँ है। वो इंसान वेवुशियन का हाथ छड़क देता है और कहता है मेरा पीछा मत करो। वेवुशियन फिर भी पीछे जाता है तो वो वेवुशियन को एक थप्पड़ लगा देता है जिसकी वजह से वो बेचारा नीचे गिर जाता है। पहली बार वो किसी से मार खाए था और यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके माता पिता ने कभी उसे नहीं मारा, ये थप्पड़ का दर्द उसे पता ही नहीं था। उसे पहली बार अनुभव होता है कि किसी ने उसे ज़ोर से मारा है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो रोते रोते पहले तो वहाँ पर गिर जाता है और उसके बाद खुद के ही आंसू पोंछ के वो अपने माता पिता को ढूंढने निकलता है, पर उसे कोई भी कहीं नहीं मिलता। देखते हैं गाइस अगले एपिसोड में क्या होगा दोनों बच्चों का, तीनों बच्चों का, तीनों बच्चे कैसे एक दूसरे से मिलेंगे और मिलते ही इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या इन लोगों के दिलों में होगा। और गाइस जो लोग यहाँ पर मुझे टॉन्ट मारते हैं कि अरे ये तो पैसा कमाने के लिए ऐसी वीडियोस लाती है, कॉन्सेप्ट लेके आती हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि बाकी के लोग भी तो यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। और सेकंड चीज़, मैंने वो कॉन्सेप्ट भी चलाया है जिससे सिर्फ 300 लोग रिव्यू करते थे, जिसकी वजह से चैनल की रेटिंग भी गिरती है, लेकिन स्टिल जो भिंगे चुके फ़ैन थे मैंने उन लोगों के लिए वो भी चलाई। और आगे चल के मैं रनवन भी अपने जितने भी फैंस हैं उनके साथ शेयर करूँगी और मैं उनके साथ हुआलिन भी शेयर करूँगी। जो नहीं सुनना चाहते मैं उन्हें कभी फोर्स नहीं करती। और रही बात, कुछ लोगों में दिमाग कम होता है ये बोलने के बाद भी कि प्लीज़ कमेंट मत करें, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो स्किप कर दें, फिर भी उन्हें टांग अड़ानी होती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर कोई दूसरे चैनल का आप मुझे हवाला देकर क्या जताना चाहते हैं। देखिए मैं किसी की तरह कल्ट फॉलोअर नहीं हूँ, मुझे ना ही टॉप वांगजी पसंद और ना ही मुझे टॉप वेवुशियन पसंद। मुझे जो स्टोरी के अकॉर्डिंग टॉप बॉटम अच्छा लगता है मैं उसे वो सुना देती हूँ, जिस रोल में मुझे जो फिट लगता है मैं उसे सुनाती हूँ, मैं दूसरों के कहे पे नहीं चलती। और रही बात, मैंने इतनी सारी फैन फिक्शन सुनी है जहाँ पर मैंने ऑलरेडी शेयर्ड कॉन्सेप्ट देखा है, मैं इकलौती नहीं हूँ जो ये शेयर्ड कॉन्सेप्ट, हाँ यूट्यूब पे मैंने ज़रूर चलाया होगा। और यूट्यूब पे भी पहले मैं चलाना नहीं चाहती थी, मेरी ही चीज़ें किसी ने चोरी करके चलाई थी। सेकंड चीज़, जब उससे मुझे बहुत लोगों ने कहा कि दी हम ये कॉन्सेप्ट सुनना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए वो कॉन्सेप्ट ले आई। मुझे पर्सनली पसंद है और बहुत सारे लोगों को पसंद है, और अगर इसे 100 लोग भी सुनना चाहते हैं तो मैं खुले दिल से उसे सुनाना चाहती हूँ। अगर नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा ठीक करें। अगर आप किसी चीज़ के कल्ट फॉलोअर हैं, मतलब जैसे होते हैं ना रेडिकलाइज फॉलोअर, तो प्लीज़ मैं किसी चीज़ की कल्ट फॉलोअर नहीं हूँ, तो मुझे अपना जैसा बिल्कुल मत सोचें और अपना जैसा बनाने की कोशिश भी ना करें। मैं अपनी ब्रॉड थिंकिंग या मैं अपनी आज़ाद सोच से सोचती हूँ और मैं जैसा चाहे वैसा पेयर रख सकती हूँ। इसके लिए मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली उनसे जो हेट्रेड फैलाते हैं, जो लोग मेरे फैंस हैं, जो डिमांड करते हैं, उस हिसाब से मैं स्टोरी ले आती हूँ। और मुझे बहुत लोगों ने डिमांड की कि उन्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मुझे इवन बहुत सारे लोगों ने पर्सनली टेक्स्ट करके कहा था कि उन्हें इस तरह के कॉन्सेप्ट और भी चाहिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस तरह के कॉन्सेप्ट लाने से। आपको प्रॉब्लम है सुनना छोड़ दीजिए, मैंने नहीं फोर्स किया आपको सुनने के लिए। स्पेशली वो जो हेट्रेड फैलाते हैं, जिन्हें पसंद है वो सुनेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकते, मैं उन्हें नहीं रोक सकती। तो प्लीज़ ये फालतू की जो भी लोग बातें करते हैं, फालतू का इरिटेट करते हैं, ये फालतू की किसी के टांग में मतलब काम में टांग अड़ाते हैं, आप बंद कर दीजिए फालतू का क्रिटिसाइज़ करना। जबकि मैं एक वार्निंग पहले ही देके चलती हूँ कॉन्सेप्ट बताकर, फिर भी लोग पता नहीं कैसे बदतमीज़ से होते हैं, जान जान के उंगली करते हैं, दूसरे बंदे को इरिटेट करते हैं, फिर वो चाहते हैं कि दूसरा बंदा उन्हें जलील करे। आप लोगों को कुछ थोड़ा सा फील नहीं होता ये एक प्लेटफॉर्म पे फिर आप लोगों के बारे में बोला जा रहा है? इवन मैं तो बहुत सारे लोगों के कमेंट भी ऐसे इरेज कर देती हूँ और इग्नोर करती हूँ कि यार क्या फ़ायदा किसी को कुछ बोल के, अपना भी बढ़ाओ, दूसरे का भी बढ़ा दो। लेकिन फिर भी अगर मैं बहुत बार चीज़ों को इग्नोर करती हूँ ना, तो आप लोगों में जो ये चुलबाज करते हैं
उन्हें भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। किसी को इतना प्रोवोक मत करो कि सामने वाला फिर आपकी बेइज्जती पे उतरेगा, तो फिर 50 लोग सुनेंगे आपकी बेइज्जती, फिर आपको और ज़्यादा फील होगा कि यार ना ही लिखते तो बेटर था। तो इसलिए पहले ही जब आपको चुल मचती है तो कमेंट करने से पहले ही अपने कमेंट को मत लिखो, स्किप कर दो, उसमें आपकी भी भलाई है और ना ही दूसरे बंदे को गुस्सा आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। गाइस, जिन लोगों को ये स्टोरी लाइन पसंद है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।